हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ पवन सर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास फर्स्ट इंग्लिश। बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास फर्स्ट की इंग्लिश लेकर आया हूँ, जिसका लेसन टू द एलिफेंट। एलिफेंट आप लोग जानते होंगे, जिसको क्या कहा जाता है, हाथी। आज मैं उसकी एक कहानी लेकर आया हूँ, आपके चैप्टर में दिया है, तो इसको आप लोग सुनिए और फिर पढ़ाई करिए। पहले मैं क्या करूंगा, आपको एक बार इसको पूरा पढ़कर सुनाऊंगा। तो पहले पढ़ना सीखिएगा, फिर मैं इसकी आपको मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। अप्पू इज ए बेबी एलिफेंट, ही इज वेरी प्लेफुल, ही कैन रन फास्ट बट कैन नॉट जंप। अप्पू looks different from other animals because of his trunk. Every elephant has a trunk. The trunk is a long nose. Appu can pick up a small pen or lift up a huge log with his trunk. He has two white tusks too. When he feels hungry, he has to eat lots of leaves. He eats twigs, fruits, roots, and branches of tree. With his trunk, he puts food in his mouth and eat it. तो ये बच्चों, इस तरीके से पहले आप बुक को पढ़ना सीखिएगा। अब हम इसकी आपको कहानी सुनाते हैं। अप्पू इज अ बेबी एलिफेंट। अप्पू एक छोटे से हाथी के बच्चे का नाम है। अप्पू ही इज वेरी प्लेफुल, वो खेलने का बहुत शौकीन था। जैसे आप लोग छोटे हैं तो खेलना पसंद करते हैं, उसी प्रकार जो एलिफेंट था अप्पू, वो भी खेलना बहुत पसंद करता था। ही कैन रन फास्ट बट कैन नॉट जम्प। वो दौड़ तो लेता था, वो खूब तेज दौड़ लेता था, लेकिन कूद नहीं पाता था, क्योंकि आप जानते हैं हाथी जो होती है वो भारी होती है, अगर कूदेंगे तो गिर जाएंगे, इसलिए वो कूदता नहीं था, लेकिन तेज बहुत दौड़ता था। अप्पू लुक्स डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स बिकॉज ऑफ हिज ट्रंक। अप्पू जो था, क्योंकि अप्पू के पास सूंड था, अप्पू तो आपका एलिफेंट था, एलिफेंट को आप लोग देखे होंगे उसके पास एक सूंड होती है, तो इसलिए वो अदर एनिमल जो थे, जो दूसरे जानवरों के पास तो हाथी की तरह सूंड होते नहीं, इसलिए वो दूसरे जानवरों से डिफरेंट था, अलग था, क्योंकि एवरी एलिफेंट हैज ए ट्रंक, क्योंकि सभी हाथियों के पास एक सूंड होती है। ट्रंक का मतलब होता है सूंड। और अदर एनिमल जो दूसरे जानवर, जैसे गाय ले लीजिए या भैंस ले लीजिए, बकरी ले लीजिए, इन लोगों के पास तो सूंड नहीं होती, इसलिए वो अदर एनिमल से अलग था। द ट्रंक इज अ लॉन्ग नोज। सूंड में एक लंबी सी नाक भी होती थी, क्योंकि आप देखेंगे हाथी के खूब सूंड जो होते हैं, वो सिर से उसके पैर तक पहुंचते, इतने लंबे लंबे होते हैं। अप्पू कैन पिक अप अ स्मॉल पेन और लिफ्ट अप अ ह्यूज लॉग। लॉग मतलब होता है लकड़ी का गट्ठर। विद हिज ट्रंक अप्पू क्या कर सकता था कि चाहे एक छोटा सा पेन गिरा हो जमीन पे, जिसको आप कलम बोलते हैं, या बड़ा सा लकड़ी का गट्ठर, जिसकी जो भी इच्छा होती थी वो अपने सूंड में लगा के उठा लेता था, क्योंकि सूंड से ही वो हाथी, अपने सूंड से ही कुछ चीजों को उठाना है तो उसी से उठाते हैं। तो इसी प्रकार अप्पू भी आसानी से चाहे छोटा सा पेन हो चाहे बड़ा सा लकड़ी का गट्ठर हो, सबको अपने सूंड में भर के उठा लेता था। ही हैज टू वाइट टस्क टू। आप देखे होंगे हाथियों के पास साइड में दो व्हाइट कलर के दांत होते हैं, आप देखे ना हाथियों के बगल बड़े बड़े होते हैं, तो
तो उसको भी था क्योंकि वो भी हाथी था छोटा। When he feels hungry, जब उसको भूख लगती थी, जैसे आपको भूख लगती तो आप खाना खाते हो, उसी प्रकार जब अप्पू को भूख लगती थी, he has to eat lots of leaves, तो ढेर सारी पेड़ की पत्तियों को खा लेता था। हम आपको भूख लगती है क्या करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, और जब उसे भूख लगती है तो क्या करता था, जो भी पत्तियां आसपास में मिलती थी हरी भरी सब वो खा जाता था। आगे ही ईट्स ट्विग्स, वो क्या क्या खाता था, ट्विग्स, ट्विग्स मतलब होता है पेड़ की डालियां, टहनी, फ्रूट्स फले खाता था, रूट्स पेड़ों की जड़ों को खाता था, एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री या पेड़ की डालियां शाखाओं को भी खा जाता था। करता क्या था, उनको पहले अपने विथ हिज ट्रंक अपने सूंड से उसको तोड़ लेता था, तोड़ने के बाद ही पुट्स फूड इन हिज माउथ, और उसके बाद वो उसको उठा के सूंड से अपने मुंह में डालता था, सूंड से ऐसे घुमा के अंदर से ऐसे अपने मुंह में डालता था एंड ईट इट, और जब वो मुंह में चला जाता था तो उसको चबा के खा जाता था। तो ये बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।